अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने घरों में होश और आबाद होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ चना चाट, जिसका टेस्ट बिल्कुल बाजार की चना चाट जैसा है। चना चाट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक प्लेट बॉयल किए हुए चने ले लिए हैं, एक प्लेट बॉयल किए हुए आलू जिन्हें मैंने काट लिया है, 3 से 4 चम्मच इमली का पानी, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, स्पाइसेस यहाँ पे मैंने 3 चम्मच चाट मसाला यूज़ किया है, 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे साल्ट यूज़ किया है, 1/2 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। और 1/2 किलो यहाँ पे मैंने योगर्ट ले लिया है, 1/2 kg योगर्ट यूज़ किया है जिसे मैंने अच्छे से बीट कर लिया था। और 2 चम्मच ही मैंने यहाँ पे ग्रीन चटनी ली है, पुदीने और हरी मिर्चों को ग्राइंड करके मैंने बना ली थी। इससे चाट का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आता है, बिल्कुल बाजार जैसी चाट बनती है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक दें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं योगर्ट में सब स्पाइसेस ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून जो ग्रीन चटनी है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, चाट मसाला, रेड चिली फ्लेक्स और साल्ट ऐड करूँगी और इनको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। 3 से 4 चम्मच इमली का पानी डालूंगी और इसको अच्छे से विस्क की मदद से मिक्स कर लूंगी। योगर्ट में सब स्पाइसेस डालने के बाद मैं यहाँ पे एक बाउल में आलू ऐड करूंगी, उसके बाद चने उसमें डालूंगी और टमाटर और प्याज बारीक कटे हुए इसमें ऐड करूंगी। आप अगर हरी मिर्चें डालना चाहें तो आप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लूंगी। अब मैं यहाँ पे योगर्ट को मिक्स करूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और जो बाकी योगर्ट हमारा बचा हुआ है स्पाइसेस वाला वो भी इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।